यह कहानी एक गरीब छोटे से गांव के बच्चे राजू की थी। तो वो राजू का सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और पुलिस वाला बने और वो अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा करे। राजू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें सीखने और मेहनत करने की बहुत इच्छा थी। वो अपने गरीबी के बावजूद रोज स्कूल जाता और पढ़ाई में समर्पित था। वो अपने अध्यापकों से सीखता और अधिक जानने की बड़ी कोशिश करता था। एक दिन राजू ने सुना कि एक गांव में पुस्तकालय खुलने जा रहा है। वो पुस्तकालय में गया और कई पुस्तकें पढ़ने में लगा और मेहनत की। राजू ने अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कई मेहनत के साल बिताए और वह एक दिन सरकारी अफसर बन गया और पुलिस वाला बना। राजू ने अपने सपने पूरे किए और अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा कर दिया और वह अपने साथ साथ गरीब बच्चों की भी मदद करता और उनको भी सिखाता और उनको भी स्कूल भेजता। तो इस कहानी से हमारे को ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। हमारे गांव हमारे सपने अपने सपने हमारी मेहनत और समर्पण से ही पूरे हो सकते हैं।